हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला एक बार फिर जेल जाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। वहीं पूर्व सीएम की 4 संपत्तियां भी सीज की जाएगी। अदालत ने यह फैसला आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाया है। फैसले के मुताबिक हैली रोड, गुरुग्राम जनप्रतिनिधि, पंचकुला और असोला स्थित ओम प्रकाश चौटाला की संपत्तियां जब्त की जाएगी। इसके अलावा अदालत ने 5 लाख रुपए सीबीआई को देने के लिए भी कहा है। अगर वो जुर्माना नहीं देते हैं तो उन्हें 6 महीने और सजा काटनी होगी। इससे पहले गुरुवार को ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुई थी। इस दौरान सीबीआई ने वकील के चौटाला की बीमारी और विकलांगता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि खराब स्वास्थ्य का इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। सीबीआई ने कहा कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है। सीबीआई के वकील ने कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दी जा सके। इससे पहले 19 मई को कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया था और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उन्हें 1993 से 2006 के बीच आय से 189 गुना अधिक संपत्ति, जो करीब 6 करोड़ रुपए थी, जिसे जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इस केस में कुल 106 गवाह थे। 2009 में प्रवर्तन निदेशालय ने ओम प्रकाश चौटाला की 3,68,00,000 की संपत्तियों को भी जब्त किया था। ये संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में थी। ईडी की ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज केस को लेकर हुई थी।